ट्यूटोरियल फूड तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सगुना और आज की हमारी रेसिपी है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देसी। आज हम कुक करेंगे सोया शलगम की भाजी और इसको बनाने के लिए पहले हमें शलगम को बॉईल करना होगा। तो शलगम है मेरे पास यहाँ पर, इसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स के अंदर काट लिया है। इसको पहले हम कढ़ाई के अंदर डाल के बॉईल कर लेते हैं और इसके अंदर अब मैं डालूंगी पानी। गैस मैंने यहाँ पे तेज कर दी है और ढक्कन लगा के इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और आइए देख लेते हैं कि शलगम यहाँ पर गली है या नहीं। चेक मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। जी हाँ, ये गल चुकी है। गैस को हम कर देते हैं ऑफ और इसको हम निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। अगर आप एक बड़ी शलगम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको गलने में 10 मिनट आराम से लगेंगे। और इस शलगम को अब हमें मैश करना है। तो शलगम यहाँ पर अच्छे से मैश हो गई है, इसको हम रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में। कढ़ाई मैंने फिर से ली है, इसमें हम गरम करेंगे तेल। न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और बस तेल यहाँ पे गरम हो जाए उसके बाद हम सब्जी बनाना शुरू कर देंगे। तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत जीरा और उसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पर बारीक कटी हरी मिर्च। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इस पेस्ट को हमने पका लिया है तेल के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने कुछ इस तरीके से काट के रखे हुए हैं। टमाटर हमने कढ़ाई के अंदर ऐड किए हैं, इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं हमारे सारे मसाले भी। मेरे पास है यहाँ पर नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग मैं डाल रही हूँ और मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और ये टमाटर यहाँ पर, इसको भी आप मैश कर लीजिए क्योंकि हम बना रहे हैं भाजी, जो कि एक तरीके से कई जगहों पर भरता भी इसको बोलते हैं, सब्जी को, शलगम का भरता इस सब्जी को कहा जाता है कई जगहों पर। और आज हम इसको कुक कर रहे हैं सोया के साथ, तो ये टमाटर का यहाँ पे मैश होना बहुत ज़रूरी है। और ये टमाटर यहाँ पर मैश हो जाए, इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी और इनको अच्छे से गलाने के लिए हम इनको छोड़ देते हैं लिड लगाकर तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। और आइए देखें ढक्कन हटा के कि टमाटर जो है वो गले हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल भरता ये बन चुके हैं। हम इसके अंदर अब डाल रहे हैं शलगम, जिसको हमने पहले ही मैश करके रखा हुआ था। शलगम के साथ ही इसके अंदर अब डालेंगे न्यूट्रेला प्री कुक्ड सोया ग्रैनुल्स, जो कि प्रोटीन कंटेंट में काफ़ी रिच पाए जाते हैं। अगर आप इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको इसे मिलता है प्रोटीन कंटेंट पूरे 52%। तकरीबन 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। अच्छे से इसको भी मिक्स कर देते हैं टमाटर की ग्रेवी के साथ। ग्रैनुल्स की खासियत यही है कि किसी भी रेसिपी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ज़्यादा पकने में इनको टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट और ये रेसिपी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये लीजिए, ये भाजी हमारी बनकर रेडी है। बस फ्लेम मैं ऑफ करूँ उससे पहले इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी चीनी, 1/2 चम्मच। और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी प्री बॉइल्ड मटर, ताकि एक अच्छा रंग भी मिल जाएगा सब्ज़ी को और टेस्ट भी आएगा। ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही मटर के दाने मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। गरम मसाला डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया। तो लीजिए, बनके तैयार है सोया शलगम की भाजी। गैस में कर देती हूँ ऑफ और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और आइए इसको एक बोल के अंदर हम निकाल लेते हैं। और आप इसको सर्व करें उससे पहले लेमन जूस इसके ऊपर आप डालिए, उससे भी इसका टेस्ट बढ़िया हो जाएगा।
और सर्दियों के हिसाब से एक और बेहतरीन डिश सोया शलगम की भाजी यहाँ बनकर रेडी है। इंतजार किस बात का है, जाइए इसको ट्राई कीजिए और तब तक मैं इसको टेस्ट करती हूँ और मुझे बताइए कि आपको ये डिश खाने में कैसी लगी। न्यूट्रेला फूड तक को ऐसी हेल्दी इनोवेटिव रेसिपीज के लिए लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए।